1.2 का एंड 10 हम आज जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन है जो कि जिसके जो वैल्यूज़ हैं वो देखेंगे। पहले वैल्यूज़ हमें दिए हुए नहीं हैं, लेकिन उससे जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें दिए हुए हैं, उसे जो है नंबर्स के फॉर्म में हम लिखेंगे जब भी, तो उससे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ गिवन द सेट्स ए पॉजिट इज पॉजिटिव इंटीजर इवन देन टेन लेस देन टेन एंड बी इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन टेन आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन टेन लिस्टेड एलिमेंट्स। अब ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं जो है इस वीडियो को छोड़ करते जा रहे हैं हम, और इसके जो वैल्यूज़ हैं एक्चुअली वो आपको बताता जा रहा हूँ कि वैल्यूज़ मैंने लिख भी दिए हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ कौन कौन से हैं। ए के वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6 एंड 8 एंड बी के वैल्यूज़ जो हैं वो है 1, 3, 5, 7 एंड 9 और यूनिवर्सल के जो सेट के जो वैल्यूज़ हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब जो है वैल्यूज़ पुट करके हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे जो कि आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या होता है कि जब क्वेश्चन फाइंड करते अगर कॉम्प्लीमेंट है तो हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है, आपको पता है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे किसके साथ, बी के साथ, बी के वैल्यूज़ के साथ यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे अब बी के वैल्यूज़ है, बी के वैल्यूज़ रखते हैं, उसके पहले जो है यूनिवर्सल के वैल्यूज़ रखेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल के वैल्यूज़ लिखेंगे। अब यूनिवर्स जब भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जो है यूनिवर्सल के वैल्यूज़ रखते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब उसके बाद बी के वैल्यूज़ या किसी कोई भी अल्फ़ाबेट हो जिसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके पहले जो है हम उसके बाद उसके वैल्यूज़ रखते हैं। जैसे कि अब बी के वैल्यूज़ जो है 1, 3, 5, 7, 8, 9 वो हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अब जो है कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं जो एक जैसे होते हैं, हम उसको कैंसिल करके बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में जो बचते हैं नंबर्स वो हम आंसर करते हैं। अब जो है इसमें भी वन है, इसमें वन है, इसमें थ्री है, इसमें भी थ्री है। अब जो एक जैसे हैं वो कैंसिल होते जाएंगे, मैंने कैंसिल कर दिए हैं पहले ही, 3, 7, 9 एंड ये सब कैंसिल हो जाएंगे। जो एक जैसे होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता है डिफरेंस में, तो ये मैंने कैंसिल कर दिए। उसके बाद जो मेरे पास बच्चे वो मैंने आंसर निकाल लिया बी कॉम्प्लीमेंट का, जैसे बी 4, 6 एंड 8 यहाँ पे बचाना। ऐसे कोई भी ऐसा अल्फाबेट नंबर्स नहीं है जो इसमें हो, अगर होता तो हम कैंसिल कर देते यहाँ पे, उसको ना लिखते, बी कॉम्प्लीमेंट का यहाँ आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, ए के जो वैल्यूज़ हैं ना यहाँ पे उसको जो है हम यूनियन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर के साथ। अब सबसे पहले जो है ए के वैल्यूज़ रखेंगे जो हैं 2, 4, 2, 4, 6 एंड 8 इसके वैल्यूज़ हैं, ए के 2, 4, 6 एंड 8 वैल्यूज़ हैं वो रखे। उसके बाद आंसर हमारा क्या आया बी कॉम्प्लीमेंट का, आप देख सकते हैं वो आया है 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जब हम यूनियन करते हैं आपको पता है कि स्ट्रेट में लिखते हैं, जो एक मींस जो अगर वन इसमें है इसमें टू है तो हम जो है 1, 2 रखेंगे, 3, 4, 5 इधर उधर होता है तो उसे स्ट्रेट लाइन में रखते जाते, जो एक पहले जो आता है उसे रखते जाते, तो इसी तरह से होता है ना। यहाँ पर दोनों सेम है तो दोनों सेम सेट्स में रिपीटेशन नहीं होती, तो रिपीटेशन नहीं करते हम, स्ट्रेट में रखना है। तो 2, 4, 6 एंड 8 हमारा आंसर आ गया, दोनों ये इसी में एक जैसे ही ना, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट के तौर पर हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स ए यूनियन बी जो है कॉम्प्लीमेंट का इसका आंसर है 2, 4, 6 एंड 8 इसका आंसर ये है। अब जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, यहाँ पर था हमारा जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी, इंटरसेक्ट करना है एम कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट जो आंसर निकलेगा उसको इंटरसेक्ट करेंगे किसके साथ, बी के वैल्यूज़ के साथ। सबसे पहले लिखेंगे हम जो है ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के रख लिए वैल्यूज़, उसके बाद ए के वैल्यूज़ रखेंगे। अब एक जैसे जो भी होंगे उसको कैंसिल करते जाएंगे, दोनों कैंसिल मैंने पहले ही कर दिए। उसके बाद जो भी आंसर हमारा बचा, जैसे हमारा आंसर बचा 1, 3, 5, 7 एंड 9 बचा आंसर, तो ये जो हमारा आंसर बचा ये है कॉम्प्लीमेंट का हमें आंसर बचा। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब सॉरी सॉल्व क्या करना है, हमें एक कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो निकला है उसे इंटरसेक्ट करेंगे किसके साथ, बी के साथ।
उसको बी के साथ हम जो है कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे जो आंसर निकला हमारा कॉम्प्लीमेंट का, उसका यहाँ पे आंसर लिख दिया वैल्यूज़ के तौर पर, उसके बाद इंटरसेक्ट, उसके बाद बी के वैल्यूज़। अब दोनों को जो है एक जैसे, आपको पता है ना इंटरसेक्ट में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्ट में हम करते हैं जो एक जैसे नंबर हो दोनों में, तो उन दोनों को एक दो है मिसाल, दो यहाँ पर वन है यहाँ भी वन है, तो दोनों को एक दफ़ा यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होती, इसलिए वन यहाँ भी है वन यहाँ भी है, यहाँ पे लिख दिया टू थ्री, इधर भी है इधर भी है, फाइव एंड फाइव सेवन नाइन, ये तीनों ये सब जो नंबर्स हैं ये इधर भी हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी का हमारा इज इक्वल टू आंसर है वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन, ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे जो मैंने समझाए अभी, अगर समझ आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसके अगले क्वेश्चन जो होंगे वो करेंगे, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स टू ऑल।